आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला इतिहास की पुस्तक पांचवा अध्याय वचन 1-17। इसराइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इसराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इसराइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल का पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग, गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको अश्शूर का राजा तिलगत पिलनेसेर बंदी बनाकर ले गया। वह रूबेनियों का प्रधान था। उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो यील, फिर जकरियाह और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोएर में और नबी और बालमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह उस जंगल की सीमा तक रहा जो परात महानद तक पहुंचाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। शाऊल के दिनों में उन्होंने हगरियों से युद्ध किया और हगरी उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरों में रहने लगे। गादी उनके सामने सलका तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर याने और शापात, ये बाशान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मीकाएल, मशुल्लाम, शेबा, योरे, याकान, जी और एबेर सात थे। वे अबीहेल के पुत्र थे जो हूरी का पुत्र था। वह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मीकाएल का पुत्र, यह यशीशे का पुत्र, यह यहूदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र था और गूनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में, गिलाद और उसके गांवों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इसराइल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई।